तो दोस्तों हम लोग सरवाइव कर चुके हैं कैबिन ऑफ डेथ और काफ़ी कम गोलियां बाकी है। फटाफट सारी चीज़ें ले लेते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा था। जो क्या हाल चाल है? अरे बस ऊपर चलते हैं। ऊपर भी काफी चीजें शायद मैंने छोड़ी थी तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यही पे एशली छुपी थी। और यहाँ पे ग्रेनेड ले चुके हैं डाउन और स्टाइल से उतरते हैं। एशली जंप, एशली जंप। अरे नीचे क्यों बैठ गई? बहुत ग्लीची है एक्चुअली। तो फटाफट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे हैंडगन है, वो मर्चेंट भी है, फ्री में बेचारा वेट कर रहा है हम लोगों का। हम लोग कुछ उसको अच्छा देने वाले हैं और मेरे ख्याल से हम लोग देने वाले हैं अच्छा। और जहाँ तक मुझे याद है और कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, तो चलते हैं मर्चेंट के पास। हाय हेलो कर लेते हैं उसको भी। उससे पहले नहीं, पहले मर्चेंट से ही मिल। वेलकम Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Sell karna hai hum logo ko Punisher. Ye mujhko iski zarurat nahi hai. Thank you. Aur TMP ammo upar gaya kya? Ha, TMP ammo. Is that all? Thank you. Spinel to hai nahi. What are you buying? Khareedna hai hum logo ko Red 9, jo ki sabse powerful handgun hai. Aur हम लोगों के पास जगह नहीं है इसको रखने के लिए फिलहाल के लिए। कोई बात नहीं, जगह बना लेते हैं। फटाफट मैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर लेता हूँ। कंबाइन विद दिस वन, कंबाइन विद दिस वन, और थोड़ा बोर होना पड़ेगा आप लोगों को एक मिनट के लिए बस। Gun shells. ग्रेनेड का आइटम है ऊपर रख लेता हूँ। ओह शिट, मैं भूल गया था कि उसके ऊपर डालने से मिक्स हो जाता है। कोई नहीं, आगे काम आ जाएगा या बेच देंगे उसको, पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो। शॉटगन की गोली तो अभी लोड हो जाएगी। और कुछ बचाएगा तो ले लेते हैं।
What are you buying? We are buying Red Knight. बहुत स्पेस खाता है ये एक्चुअली, बहुत लंबी गन है इसलिए. और रेड नाइन का स्टॉक भी ले लेते हैं जिससे Is that all, stranger? अच्छा हो जाएगा हम लोगों का. और क्या है? और कुछ अभी तेरे पास बेचने के लिए नहीं? What are you buying? Is that all? Thank you. What are you selling? Sell करने के लिए और कुछ है क्या अपने पास? कोई नहीं. तो इसको combine कर लेते हैं इसके stock के साथ. क्यूब हो गया ये. एक क्यूब है कि नहीं? एनीवेज चलते हैं मेन मिशन की तरफ. अच्छा अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शन देगा टू रूट्स के. इसको पढ़ लो. बट बेसिकली ये कह रहा है कि हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ़्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं. लेफ़्ट जाएंगे तो दो चेनसा वाली औरतें मिलेंगी, आंटियाँ, और अगर राइट जाएंगे तो बड़ा जिगांटे मिलेगा, बड़ा सा राक्षस जिसको हम लोगों ने मारा था. सेव कर लेते सबसे पहले क्योंकि ये थोड़ा टफ होने वाला है. कोशिश हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों को निपटा दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजर होता है जो हम लोगों को लेना पड़ेगा. मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ तो भी मिस कर रहा हूँ. चलो कोई बात नहीं, तो गोलियाँ ही होंगी और कुछ नहीं है. तो चेक वाला खोलते हैं. दोनों देखा जाता है दोनों इक्वल तरीके से ही डिफिकल्ट है. Ahí está. निपटा दिया जाए, फालतू गोलियां वेस्ट होगी नहीं तो. बहुत ही इजी पार्ट था इसका. अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पार्ट कंप्लीट करने के लिए. इसलिए ये बंदा ऊपर खड़ा है, उसको भी निपटाना पड़ेगा. यहाँ पे कभी कभी एक बंदा होता है चलता है.
सके। ओए ओए निशाना करा, साला एक गोली खा गया फालतू का। यहाँ पे देखेंगे तो एक बंदा ये है जो खड़ा रहता है, और एक बंदी और एक बंदा यहाँ पे फटाफट ले लिया जाए जो भी लोग दे रहे हैं। बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाता है ये सारी चीज़ें। रिलोड शॉटगन कितना है, दो ही है। कोई नहीं, हमेशा कुछ नहीं रहता है सदा। हाँ शॉर्ट गन शेल्स इसमें कुछ तो। तो दोस्तों अभी चलते हैं वो चेनसा वाली आंटी से मिलने के लिए, बट उससे पहले एशली को थोड़ा छुपा दिया है। एशली अश्लील लड़की, चल दिया यहाँ पे छुप और हल्ला मत कर, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि सबसे डेंजरस एरिया ये है। यहाँ पे सीन कैसा होगा कि एक चेनसा वाली आंटी यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी दौड़ के, उन दोनों को मारना है फटाक से। अपने पास कुछ है क्या, ग्रेनेड, और ये है ग्रेनेड बचाना पड़ेगा। कोई नहीं, शॉटगन रोड रीलोड कर लेते हैं यार सबसे पहले। और ये नॉक डाउन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर वो लोग चारों तरफ से आ जाएंगे। ये वैसे केबिन ऑफ डेथ के जैसा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। ले लिया जाए यार, मैंने बोला था ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, मतलब सही तरीके से नहीं मारते। कैंप की मिल गया हम लोगों को, एशली को लेके जाना है। ये बंदा जो है इसको मैं यहीं से निपटा देता हूँ, नहीं तो वो साला फेंका फाकी करता है। हाँ फाइनली हम लोगों ने निपटा दिया है, फटाफट सारी चीज़ें ले लेते हैं। गोलियाँ बहुत कम थी एक्चुअली हम लोग के पास, एक और इंसेंडरी ग्रेनेड होता तो, बट एनीवेज
शॉटगन शेल्स मिल गई है, देख लेते हैं और कहीं पे कुछ मिला है क्या हम लोगों को। एक रूबी तो मिला एटलीस्ट, दो में से एक को मारने से। हाँ ये रहा, चलो कोई बहुत बढ़िया। एनीवेज एशली डार्लिंग तू अभी वहीं रह, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ स्टाइल से। रिलोड कर लिया जाए, इतने कम एमोज में तो लगता है मैं बहुत परेशानी में हूँ अभी। एनीवेज देखते हैं, यूज कर लेते हैं ये। एरिया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सब रिलोड रिलोड कर लिया जाए क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे कुत्तों की तरह लोग आते हैं। एनीवेज देखते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप मारते जाओगे तो। यहाँ पे एक बहुत सही जगह है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को आसानी से निपटा सकते हो। चल अच्छा है गोलियां। ये जो एरिया है यहाँ पे, पहले नीचे आ जाओ, जो भी मिलता है ले लो फटाफट। तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ एक ट्रेजर होता है जो कि लगता है अपने, चलो दिखाता हूँ, दिखाई देता हूँ मैं। ये रहा, तो ये लगेगा हम लोगों को एलिगेंट मास्क में। कंबाइन इट दिस वन, अभी दो ज्वेल्स हो गए इसके। और कुछ है क्या हम लोगों को? एक्चुअली यहाँ से लोगों को बुलाना है, यहाँ से तो नहीं। चलो देखते हैं। लोगों को थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए। ये बेस्ट स्पॉट है इन लोग को यहाँ पे निपटाने के लिए। और जैसे ही लोग आते हैं
बस आंटी का भी काम तमाम हो गया और मेरे ख्याल से हम लोग बच गए हैं और कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला। शिट, लगता पीसी में कुछ ज़्यादा ही टफ कर दिया है ये लोगों ने। चलो देखते हैं आगे क्या है। मैं सारी गोलियां मेरी ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बना बचा। बहुत सारी स्नाइपर की गोलियां हैं और ये है बट हम लोगों को उसको भी मारना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे जाने से पहले मैं एक बार जाके सेव कर लूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे उस जायंट को मारने के लिए अगर पॉसिबल हुआ। बहुत कम है, लगता है एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ये वॉक थ्रू रोकना पड़ेगा गोलियों की कमी के कारण। कोई नहीं, आजा एडम। जिस तरीके से मैं खेल रहा हूँ मतलब गोलियाँ बचा ही नहीं रहा हूँ और बहुत ही गंदा खेल रहा हूँ एक्चुअली। मैंने जब इसको प्लेस्टेशन में पार किया था तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, या फिर काम करते हैं यहाँ जाके सेव तो कर लेगा। कोशिश करेंगे अलजी कांटे को मारने के लिए जो सेकंड रूट पे है। और जिस तरीके से साला सिर्फ राइफल की गोलियां दे रहा है जो कि हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। शॉटगन और हैंडगन की एमओ की बहुत ज़रूरत है तो सेव कर लेते हैं। और दोस्तों मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।